सो दोस्तों, आज आपके लिए खुशखबरी है। आज मैं आपके लिए जॉब लेके आया हूँ, वो है इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का जॉब है। और जो तीसरा जॉब है वो HVAC इंस्टॉलर जो जॉब रहते हैं उनके लिए जॉब अवेलेबल है। ये जो जॉब्स है ये पेड जॉब्स है, ये अपने को एक एजेंसी के थ्रू जॉब आए हैं, तो वहाँ अपने को जॉब के लिए बंदे प्रोवाइड करने हैं। और ये जॉब के लिए कितना खर्चा आने वाला है, यहाँ पर कितनी सैलरी होगी, ये मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। सो वेलकम दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड जॉब वीज़ा हेल्प, मेरा यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले माल्टा में आपके लिए इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर और HVAC इंस्टॉलर के जॉब्स अवेलेबल हैं। और ये पेड जॉब्स है, इनके लिए कितना खर्चा आने वाला है और इसकी सैलरी कितनी होगी और यहाँ से आपके डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगने वाले हैं, इसके ऊपर अपन डिटेल्स में जानने वाले हैं। सो दोस्तों, पहला जो जॉब है वो इलेक्ट्रिशियन का जॉब है। सो इसके लिए आपको क्या लगेगा, पहला अगर जॉब अप्लाई करना है तो आपको आपको लगेगा एक यूरोपियन फॉर्मेट में CV, कवर लेटर और आपका पासपोर्ट कॉपी और आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और ये एक्सपीरियंस आपको कितना रिक्वायर्ड है, मिनिमम 3 to 5 ईयर, मतलब अगर 2 से 3 साल या 3 से 5 साल भी होगा तो भी चल जाएगा। और उसमें से अगर आपका गल्फ़ का एक्सपीरियंस हो तो सबके आपके लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि गल्फ़ एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रेफर्ड है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर गल्फ़ में बहुत सारी कंपनीज, मतलब आप बहुत सारे देश घूम चुके हो तो आपको ये जॉब मिलने में आसानी होगी। और ये जॉब के लिए आपको खर्चा कितना आएगा, तो यहाँ पर 4,50,000 आपको खर्चा आ जाएगा। और ये इसमें आपको सब वीज़ा टिकट वीज़ा मिलेगा, टिकट मिलेगा, यहाँ पर अकोमोडेशन मिलेगा कंपनी की तरफ से। उसके बाद आपको खाना वगैरह आपको खुद को बनाना पड़ेगा। और देखिए, ये मंथली बेस पे अगर सैलरी देखने जाएंगे तो आपको 1200 यूरो तक ये सैलरी गिर जाएगी, वो भी 40 घंटे की, 40 घंटे वीकली, मतलब वीकली आपको 40 घंटा काम करना है। अगर आप 4 वीक में काम करोगे तो आपको मतलब 160 घंटा काम करना होगा, ये बात है। तो अगर वो जॉब के लिए आपको सैलरी मिलेगी 1200 यूरो तक आपको सैलरी मिल जाएगी। और जो दूसरी बात है कि ये जॉब अगर अप्लाई करते हो आप, तो इसके स्टार्टिंग कैसे होगी, स्टार्टिंग करने के लिए मतलब आपको अप्लाई कहाँ पर करना है, तो मेरा यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर मेरा शेयर करता हूँ मैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर का मेरा लिंक भेज देता हूँ। मेरा ग्रुप है व्हाट्सअप ग्रुप, तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद मुझे पर्सनली आप मैसेज करिए। और दूसरी बात, यहाँ पर मुझे आप CV कवर लेटर और आपका पासपोर्ट कॉपी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेज दीजिए ताकि मैं आगे फॉरवर्ड कर सकूँ। और अभी देखते हैं दूसरा जॉब। दूसरा जॉब का जो नाम है वो है प्लम्बर का जॉब। प्लम्बर के जॉब के लिए भी आपको मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 3 से 5 साल आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और ये सब जॉब के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना ज़रूरी है। और आपके एज देखिए, एज क्राइटेरिया मैंने पहले वाले में बताया नहीं था। लगभग आपका जो 18 से लेके आपका 45-50 एज तक आपका एज लिमिट है। 50 रहेगा तो भी चलेगा, पर उसके आगे नहीं चाहिए, 50 तक लास्ट है। अगर आप करना चाह रहे हो इस फील्ड में जॉब, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप 10th पास होना ज़रूरी है। और 10th पास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ECR पासपोर्ट के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट वो भी काम हो जाता है। अगर किसी का ECR वाला पासपोर्ट है तो मुझे नीचे कमेंट करिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम में आके मुझे फॉलो करके मुझसे बात करिए, या फिर मेरे व्हाट्सअप का लिंक है इसमें नीचे है, वो मैं आपको देने ही वाला, तो वहाँ से मुझे आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर सैलरी का जो है क्राइटेरिया सेम ही है, आपको सैलरी जो मिलने वाली है वो 1200 यूरो तक आपको सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने बताया कि आपको ईयरली बेसिस उन्होंने 15,000 से लेके 17,000 सैलरी बताई है। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ से मतलब एक अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चले तो 1200 यूरो सैलरी हो जाएगी। और ये सब काम अपन खुद करने वाले हैं। अगर आपको जॉब अप्लाई करना है, आप इंडिया में हो तो आप मुझे इंडिया के ऑफिस में, मतलब मुंबई में मेरा ऑफिस है, तो वहाँ पर आके मुझे मिल सकते हो और आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन कर सकते हो। और आने को नहीं जम रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। और जो देखिए, ये सब जॉब्स है ना, इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आपका जोर अच्छा होना चाहिए। और जो तीसरी वैकेंसी है वो HVAC इंस्टॉलर, जो बड़े बड़े कंपनीज में जो HVAC के प्लांट्स होते हैं तो उनको इंस्टॉल करने का काम होता है। और बेसिकली ये बहुत सारे कंपनीज या कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए ये हायर होते हैं, और अपनी जो कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है तो उसके लिए अपन जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप HVAC इंस्टॉलर में आपको कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो जिन 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 का 8 से लेके 10 तक मतलब एजुकेशन है,
वो भी कर सकते आर्ट के नीचे वाले से अपन कांटेक्ट करेंगे, उनका प्रोफाइल अच्छा हो, उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, उनका सीवी क्वालिटी अच्छा हो, तो हम लोग उसको आगे प्रमोट करेंगे। और देखिए ये सब चीज़ों के लिए भाई खर्चा आने वाला है, 4.5 लाख रुपए खर्चा आने वाला है, विथ आपका फ्लाइट टिकट, इंश्योरेंस, आपका वीज़ा फीस, आपका वर्क परमिट का फीस, सब इसमें इंक्लूडिंग है। कोई डरने की बात नहीं है। अगर मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास एनी टाइम जॉब्स अवेलेबल रहते हैं, बहुत सारी एजेंसी रहती है कि हमारे पास एनी टाइम जॉब्स अवेलेबल रहते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि हर टाइम में इतने जॉब्स नहीं मिलते, क्योंकि भाई उनको भी कुछ काम करना चाहिए ना। मतलब कैसे, हर टाइम अगर वैकेंसीज निकालते रहेंगे तो काम कब करेंगे ना, ये बात है। तो आप ये जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ पर भी मैं शो कर देता हूँ, यहाँ से मुझे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप के थ्रू भेजिए, ताकि मैं उसको मतलब वेरीफाई करके आगे भेज सकूँ। क्योंकि क्या होता है, जीमेल तो भेज सकते हो आप ईमेल पे वगैरह, बट वहाँ पर वेरीफाई करने के थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो डाउनलोड वगैरह वो सब मेल चेक करना वन बाय वन बहुत पॉसिबल नहीं होता है। आप नंबर पे मेरे मतलब यहाँ पर सीवी कॉल लेटर भेजिए, हम लोग वहाँ से सिलेक्शन करेंगे, आगे के लिए प्रोसेस कर देंगे। और देखिए जो जो जिनका जिनका अभी फ्रेशर है भाई, उनके लिए जॉब नहीं है। इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, एचवीएसी इंस्टॉलर हो, जिन्होंने आईटीआई किया है, जो गल्फ में अभी हाल ही में गए हैं, तो उनके लिए भाई नहीं है। क्योंकि गल्फ में अभी आपको फिर 1 साल भी नहीं हुआ रहेगा, तो आप बोल रहे कि 1 साल के मतलब ये एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मुझे जॉब चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। और देखिए जॉब्स तो मिलने की मतलब मिलने की आशंका है ही आपको, बट आपको क्या करना है, आपको सीवी कवर लेटर यूरोपियन फॉरनर बना के मुझे भेजना है। जिनको जिनको आप जॉब अप्लाई करना है वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, और जो खर्चे के लिए अफोर्डेबल खर्चा है, ये ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं, मार्केट में 6.5 से 7 लाख रुपए ले रहे, बट अपन ने थोड़ा कम खर्चे में कम जितने देखिए जितना अपन कम खर्चा करेंगे उतने अपने अपने लिए सही है। तो आप ये 4.5 लाख आपके लिए ज़्यादा नहीं खर्चा, 1200 यूरो अगर पकड़ के चलो तो 4 महीने में आप कवर करोगे, मतलब 1200 यूरो का अगर, क्योंकि आप ओवर टाइम भी करोगे तो 4 महीने में आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा। तो आप इतना इन्वेस्टमेंट करिए और आप जॉब के लिए अप्लाई करिए, तो आपको मतलब सही डायरेक्शन मिल जाएगा और जॉब भी मिल जाएगा। और इसके लिए प्रोसेसिंग टाइम है, आपको 4 से 6 महीने की प्रोसेसिंग टाइम है, अगर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, 4 से ज़्यादा 6 महीना हो सकता है, उससे नहीं होता है, बिकॉज अभी के टाइम वीज़ा के अपॉइंटमेंट भी जल्दी नहीं मिलते। आपका समझो 2-3 दिन में आपका सिलेक्शन हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, 15-20 दिन में इंटरव्यू हो गया, उसके बाद फिर अपने को डायरेक्टली हम लोग आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, क्योंकि वर्क परमिट तो आता रहेगा। वर्क परमिट आने के लिए भाई टाइम जाएगा, 2 महीना जाता है, तो 2 महीने मतलब 2-3 महीना पकड़ के चलो, और 4थे महीने के बाद हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो 4थे महीने में अपॉइंटमेंट बुक किए, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको फिर वहाँ पर 1 महीना जाता है, तो 2 महीने वो निकल जाते हैं, मतलब आपको ना बोल के भी ना 6 महीने का क्राइटेरिया हो जाता है। 6 महीने के बाद मतलब मतलब 6ठवें महीने में यहाँ से आप फ्लाई करोगे, आपका मतलब आप सिलेक्शन होने के बाद, ये पकड़ के चलो। और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि हम लोग का जो टीम है ना वो बहुत रिस्पॉन्सिव टीम है। आपको अगर मतलब इंटरेस्टेड हो तो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करें, एड्रेस चाहिए ऑफिस का तो भी मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको ज़रूर वो सब प्रोवाइड करूँगा, और आपको जॉब मिलने के लिए हम लोग मतलब बहुत सारे, मैं तो पिछले 6-7 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ जॉब के लिए, और बहुत सारे इंशाल्लाह मतलब बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स आए। लास्ट टाइम मतलब शेफ के भी जॉब्स आए थे, उसके पहले अपने पास होटल्स के भी जॉब्स आए थे, किचन स्टीवर्ड वगैरह का, वो जॉब में भी अपन बंदे को भेजे हैं। तो वो लोग देखिए वो लोग जून जुलाई में जाने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आप भी जल्दी जाओगे, यही मेरी मनोकामना है। और मैं कोई ऐसे एक यूट्यूबर नहीं हूँ जो हर टाइम वीडियो डाल के अपलोड करके ये करूँ, क्योंकि ये मेरा मेन जो काम है यही काम है, लोगों को काम पे लगाना। तो आज इसके बारे में बहुत सारी मतलब मैं तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाया है, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जिनको पेड जॉब चाहिए, मतलब जो खर्चा करके जाना चाह रहे हैं एजेंट के थ्रू, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल ऑन करें। चलो दोस्तों।